नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी आर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, यहाँ पे तो सी क्लैंप है दोस्तों, यहाँ पे आपका टूल मेकर है, ये आपका जॉब है दोस्तों, आपको इसके बारे में क्लियर जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ पे सी क्लैंप से, तो सी क्लैंप के बारे में जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले सी क्लैंप जॉब को या टूल को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। जॉब ये है दोस्तों, टूल ये है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको पार्ट नेम के बारे में बताता हूँ। ये जो होता है दोस्तों बेंच वाइज में, इसको स्पेंडर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लगा हुआ है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे हैंडल दोस्तों। ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे दोनों तरफ से रिबिटिंग करके और इसका आकार बना दिया गया, ओके। अब इस पे क्या है दोस्तों कि स्क्वायर जैसे चूड़ियाँ भी कटी हुई हैं, कुछ मशीन वाइज है जिसमें बटरेस भी चूड़ियाँ कटी हुई हैं और कुछ मशीन वाइज में स्क्वायर चूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो ये सी क्लैंप वाइज है दोस्तों, इसमें जो दिखाई दे रहा है हमको बिल्कुल एक वर्गाकार जैसे दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर चूड़ी हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से। इसके बाद से दोस्तों हम यहाँ नीचे आएंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों, ये आप जो देखेंगे सी अक्षर के आकार है, तो जो सी अक्षर के आकार है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि सी क्लैंप वाइज बोलते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे चलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे चल रहा है, ये पीछे जा रहा है, इसको मूव एबल जा बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, मूव एबल जा, ठीक है। यहाँ पे आपको जॉब को सपोर्टेड करने के लिए पार्ट लगाया गया है, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा फ्रेम में फिक्स है दोस्तों, इसको फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रेम बोलेंगे। और ये पूरा फिक्स होता है। अब इसकी कार्य विधि बता रहे हैं कि ये इंग्लिश अक्षर के सी आकार का होता है। क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश अक्षर के सी आकार का होता है। इसके किनारों पर स्क्रू लगे होते हैं, ये साइड में जो स्क्रू लगा है दोस्तों, ठीक है। यूनिवर्सल जा भी इसमें लगा होता है, जो कि हम आगे पीछे एडजस्टिंग भी कर सकते हैं। स्क्रू को चलाने के लिए एक हैंडल यहाँ पे लगा है दोस्तों। इसका प्रयोग की बात करेंगे तो गोलाकार जाब, कोई गोल जाब है और टेपर जाब है, टेढ़े मेढ़े जॉब है, उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बॉडी की बात करें दोस्तों, तो जो बॉडी बनती है वो कास्ट स्टील की बनाई जाती है, फोर्ज करके, वो भी क्योंकि मजबूत नहीं रहेगी तो ये टूट जाएगी, जॉब को पकड़ना इसलिए। कास्ट आयरन की भी बनी होती है और इसकी साइज जा के खुलने की क्षमता पर निर्भर करता है। साइज की बात करें तो जितना इसका जा खुलेगा, इसका जा की बात कर रहा है साइज की, तो जितना इसका जा खुलेगा दोस्तों, यहाँ तक खुलेगा, तो यही इसका साइज जा खुलने की क्षमता निर्भर करता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब अगली बात करेंगे, यहाँ पे जॉब को बांध सकते हैं दोस्तों, ये आपका जॉब है, ये लगा सकते हैं, बांध सकते हैं, आप कोई भी काम इस पे कर सकते हैं। चलिए अगला जब काम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सी क्लैंप वाइज जो है कई टाइप में है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम इसका टूल मेकर वाइज का दोस्तों। टूल मेकर वाइज की बात करें तो सिंपल दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मैं एच एक जॉब बनवाया हूं, और उस एच जॉब को क्या करना है दोस्तों, टूल मेकर वाइज में किस प्रकार करना है इसको बता रहे हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ऊपर से दोनों में, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अपर जा, ठीक है। ये जो अपर जा है दोस्तों, आउटर स्क्रू की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपका सेंटर स्क्रू हो जाएगा, ये आउटर स्क्रू हो जाएगा। इसमें होल है दोस्तों लॉक करने के लिए, आप मतलब हैंडल को चलाने के लिए। इस पर नर्लिंग की गई है, आप ध्यान से देख सकते हैं, नर्लिंग की गई है। वो भी कौन सी नर्लिंग है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, डायमंड नर्लिंग है दोस्तों, इसको डायमंड नर्लिंग बोलेंगे। सीधा अगर खींचा जाएगा तो इस पर स्ट्रेट नर्लिंग इसको बोला जाएगा, और इस पर कौन सा नर्लिंग है दोस्तों, तो डायमंड नर्लिंग बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर स्क्रू हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका जो हो जाएगा उसे अपर जा बोलते हैं, और आउटर स्क्रू जो होता है आपका आउटर स्क्रू ये हो जाएगा। ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये दोनों का काम बता रहे हैं। यहाँ पे जो सिंपल है आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ लगा हुआ है दोस्तों, वो आप सीधे बोल सकते हैं सेंटर स्क्रू है। किसी जॉब को क्लैंप करने के लिए सबसे पहले इसी का काम किया जाता है। इसको हम लोग सीधे खोल देते हैं दोस्तों, जब ये खोल देंगे, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जॉब लगा हुआ है, इसको खोल देंगे, ये खोल देंगे तो ऐसे ढीला हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल दोस्तों। अब इसके कोई काम नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, और इस जॉब को क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ओवर साइज में था तो इसको क्लैंप करेंगे, अगर थोड़ा सा भी ओवर साइज रहेगा तो ये क्लैंप हो जाएगा, ये इस होल में चला गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे होल है, इसके में चला जाता है ये, जैसे कि इसका काम ये है कि अगर यहाँ पे कोई टेपर है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ये इसको क्लैंप कर सकता है,
ठीक है, इसीलिए इसका काम यहाँ पे लगाया जाता है। और यहाँ की बात, इसकी प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कई प्रकार से हैं। एग्जाम्पल में जैसे यह क्लैंप इस प्रकार के वाइस है जो आमतौर पे फिनिशिंग किए हुए जाप, ये फिनिशिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं फिनिशिंग किए हुए जाप को पकड़ने के लिए, उस पर मार्किंग करने के लिए, डिलिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए हम इसका काम करते हैं टूल मेकर वाइस का। ठीक है, अब इसमें पैरेलल जा भी ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पैरेलल जा बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल जा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरेलल जा बोलते हैं। इसमें चूड़ियां कटी होती हैं आप देख सकते हैं, तो ये जो चूड़ियां कटी है मीट्रिक थ्रेड की 60 एंगल वाली चूड़ियां कटी हुई है। इसके अंदर दो स्क्रू लगे हैं, वो स्क्रू कौन कौन से है, पहला स्क्रू, दो स्क्रू, ठीक है, सिंगल डबल दो स्क्रू लगे हुए दोस्तों, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, एक ऐसे चलता है और तो एक इधर से चलता है। क्लियर, दोनों क्लियर हो गए, दोनों स्क्रू को कस कर जा में जाप को पकड़ लेते हैं, इसको भी टाइट करेंगे और इसको भी टाइट करेंगे, और बिल्कुल ये पैरेलल क्लैंप पे भी इसको कहा जाता है, और इसमें पैरेलल समानांतर जा को भी हम पकड़ सकते हैं, इसे पैरेलल समानांतर है ना दोस्तों, इसको पैरेलल क्लैंप भी कहा जा सकता है। सिंपल आप पहचान सकते हैं किस प्रकार से, अगर सेंटर जा की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रू लगी हुई है, इसमें एक प्लेट लगी हुई है, इसको सेंटर, और ये ओवर साइज को क्लैंप करने के लिए, जैसे ये जाब अगर मुंह इसका जो जा है थोड़ा सा दब जाए या बाहर हो जाए तो उसको क्लैंप या साइज में लाने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जानकारी हो चुकी होगी कि टूल मेकर वाइज क्या है दोस्तों और सी क्लैंप वाइज क्या है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।